देखते हैं 11 नंबर क्या कह रहा है। ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 रुपीज इफ द इंक्रीजेज बाय द इंस्टॉलमेंट बाय 5 रुपीज एवरी मंथ। अच्छा हर एक मंथ 5 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। व्हाट अमाउंट विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट में उसको वो कितना अमाउंट पे करेगा ये हमें बताना है कि 30वां इंस्टॉलमेंट कितना होगा। यहाँ पे ले लेते लेट ए बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड डी एंड डी बी द कॉमन इंक्रीमेंट इन हिज इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ। ठीक है, तो यहां पर ए का वैल्यू कितना है 100 रुपीज है और डी का वैल्यू कितना है 5 है। देख लीजिए 5 रुपीज हमेशा हर एक मंथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगा यानी कि एन का वैल्यू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है यहाँ पे 30। तो हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें निकालना है कि कितना अमाउंट पे करेगा 30th इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट टू बी रेपिड इन 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा, ठीक है ना जी, 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा ये हमें निकालना है, यानी कि हमें ए 30 निकालना है, जो कि हो जाएगा ए प्लस का 29D, यानी हो जाएगा ए का वैल्यू है यहाँ पे 100 रुपीज और प्लस में 29 और इंटू में डी की जगह पे 5, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 100 रुपीज और प्लस का 145 रुपीज। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 245 रुपीज, यानी कि 245 रुपीज ये पे करेगा 30th इंस्टॉलमेंट। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12।